हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं और मेरी पूरी फैमिली जाने वाले हैं घूमने, लेकिन आपको ये नहीं बताएंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो आपको वीडियो के एंड तक बना रहना है। और सोचा कि आज हैप्पी न्यू ईयर है तो थोड़ा चलते हैं। देखिए कि अभी तक तैयार नहीं हुआ। तैयार हो गया तू? शूज नहीं पहना तो अब शूज के दीदी ने पहनेगा। जल्दी तैयार हो जा, ठीक है? गाइस ये हमेशा लेट कर आता है, ऐसे कुछ भी किया तो सारे काम लेट ही करता। और ये देखो उसकी बहन बुड्ढा तो कैसे संभाल कर रही है। आप तैयार हो गए? आप तैयार हो गए कि नहीं? और शूज आपके शूज तो है नहीं, दुकान से। तो सो गाइस मैं तो हो गया हूँ रेडी। अब घर वालों को देखते हैं कितने कहाँ तक तैयार हुए। देखिए गाइस ये पूरा तैयार तो हो गई, बस शूज पहनना रह गया इसका। पूरा तैयार है ना तू? ठीक है, जल्दी तैयार हो जाओ। ओके गाय जी, देखिए भाभी के बाल स्ट्रेट हो रहे हैं, प्रतिभा कर रही है। प्रतिभा तेरी मौसी है? दीदी बोल। मेरी बहन जी। देखिए मेरी बहन अपना फेस नहीं दिखा रही है, पता नहीं क्यों ऐसा, क्या हो गया ऐसा? ज्यादा सुंदर लग रही है। हाँ ज्यादा सुंदर है ये। गाय जी देखिए अक्की अभी भी मम्मी से शूज पहनना है, अपनी अम्मा से। मम्मी आप तैयार हो? बस बेटा और हो रही, थोड़ा सा रह गया। आप इसको जूते पहना रही हो? हाँ। तो मम्मी इतना बड़ा हो गया इसे पहनना नहीं आता? नहीं ये पहनना नहीं जानता है, छोटा। अक्की सीख जा जल्दी, छोटा है। हे यू मैन, हे यू लड़की, ये छोटा है बेटा, अभी ये जानता नहीं है पहनना, ये छोटा ही रह जाएगा, ये छोटा। अच्छा छोटा ही रह जाएगा ये। तो नाराज हो गया ये पागल है। जल्दी तैयार गाय, देखिए गुटा कितना एंजॉय कर रही है। अपना शूज पहन लिए? अपने आप पहने थे? हाँ। और देखो भैया को पहना नहीं आता शूज, अम्मा से पहना देगा ना। तो गाइस मैंने तो सोचा कि घर वाले टाइम लगा रहे हैं तो थोड़ा मैं खा लेता हूँ। सो गाइस ये तो है खुआ के लड्डू। और मम्मी इसमें क्या क्या मिला हुआ है, मतलब इस केस बनाए? इसमें तिल मिले हुए हैं और खुआ है, तार है, उससे बनाए हैं। अच्छा इससे बने हैं, देखा गाइस इससे बने हैं लड्डू ये। लेकिन मैंने खा के देखा काफी अच्छे हैं, मुझे तो पसंद है, बहुत टेस्टी है। सो गाइस सब तैयार हो चुकी है और मैं खाना खा रहा हूँ, दाल चावल है। सो गाइस और उसके बाद खा के फिर हम चलते हैं। मेन रोड पर आ चुके हैं, तो अभी लंबा सफर है तो हम पेट्रोल भरवाएंगे और फिर उसके बाद हम चलेंगे। गाइस अभी पेट्रोल पंप तो आ चुके हैं, वो अभी भरवाते हैं। सो गाइस भैया तो भरवा रहे हैं पेट्रोल, तो जब तक पूछते हैं फिर अक्की से। अक्की आपको कैसा लग रहा है वहाँ पर? बहुत अच्छा। अच्छा पूर्वा हम जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? सो गाइस भैया ने पेट्रोल भरवा चुकी है तो अभी हम चल दिए पेट्रोल पंप से आगे। तो गाइस देखिए न्यू ईयर भी है और प्लस संडे भी है, तो सब घूमने चले गए हैं जी। देखिए सब घूमने जा रहे हैं इधर उधर। तो गाइस ट्रैफिक खुल चुका है तो हम चल दिए। सो गाइस अभी हम घर से तो निकल चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी दूर गए, लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ है तो सोच भी नहीं सकते इतनी भीड़ है। न्यू ईयर भी है और संडे भी है तो इतनी भीड़ है कि पूछो ही मत। और सब चल दिए गाड़ी में, ये देखो आपको दिखाऊँ यहाँ का ट्रैफिक। सो गाइस हम थोड़ा आगे ही निकले थे लेकिन आप फिर ट्रैफिक लग गया, लेकिन जैसे तैसे लेकिन खुल गया तो हम चल दिए। अब पता नहीं साथ हो सकता है कि आगे मिले या ना मिले, तो देखते हैं अभी। गाइस देखिए बच्चों के बलून कितने अच्छे हैं, कलरफुल। गाइस देखिए बच्चा खेल रहा है। हाँ मम्मी परेशान हो गई बैठे बैठे है ना, काफी देर से बैठी है गाड़ी में। हाँ। और ट्रैफिक है। मम्मी कितनी देर में पहुंचेंगे? अभी टाइम लगेगा। पानी पी लो। नहीं पी लिया मैंने। अच्छा तू बता, नींद आ रही है? भाभी आपको कैसा लगा? बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत परेशान हो गए बैठे। अरे अब तो भाई देखिए गाड़ी अपने आप चल रही है। बुढ़ा क्या कर रहे हो, पॉलिश कर रहे हो?
अच्छा परेशान हो गए थोड़ा फोन यूज़ ठीक है। मम्मी मम्मी क्या हो गया? परेशान हो रहे। परेशान हो गई बैठे बैठे? अरे पूर्वा बहुत दूर है। क्या हो गया? नींद आ रही है? देखो गाइस पूरा को तो नींद आ गई और लगता है प्रदा दीदी भी थोड़ी नींद आ गई उनको। देखिए गाइस रोड के लगभग खाली भी है वहाँ पर ही मतलब जहाँ आ रहे थे ना वहीं से तो वहीं डट रहे थे। यहाँ तो पूरा खाली है देखो और रोड भी इतना अच्छा है जहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है आराम से जल्दी और पहुँच जाएंगे मुझे तो लगता है। जहाँ जाने वाले थे वहाँ आ गए हैं तो अभी चलते हैं आपको लेकर चलते हैं। सो गाइस हम जहाँ जाने वाले थे वहाँ आ गए हैं तो हम आए हैं कीटम झील आगरा के। तो ये था मेरा अब चलते हैं अंदर और आपको पूरा दिखाते हैं पूरा व्यू अंदर का तो चलते हैं लेट्स गो। सो गाइस कीटम झील के अंदर तो आ गए। ये देखिए यहाँ भी कितना ट्रैफिक है। ये देखिए आप कितने लोग आए हैं इसको देखने के लिए। दीदी गाड़ी चला रही है। तो गाइस हम अंदर आ चुके हैं। देखिए आप वो यहाँ सब सुनसान है और पेड़ ही पेड़ है यहाँ पर। ये देखिए आप देखिए गाइस ये झील कितनी बड़ी और गहरी भी है। कीटम झील है बहुत सुंदर है। कितनी सुंदर दिख रही है देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। मछली भी है इसके अंदर। इसके अंदर मछली भी। आपको कैसा लगा कीटम झील देखिए आपने? बहुत सुंदर है ना। फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम तो आए हो। हाँ भाई आपको कैसी लगी झील? अरे कितना सुंदर है कितना क्लीन पानी है बहुत अच्छा है। हाँ मम्मी आप बताओ बहुत अच्छा लग रहा है। अभी अभी तो फुल एंजॉय करेंगे अंदर जाने। हाँ अभी अंदर चलेंगे और देखेंगे। सो गाइस यहाँ पर ट्रैफिक है तो सोचो पैदल चलते हैं सही रहेगा। सही पैदल चलते। सो गाइस हम एंटर कर रहे हैं वेलकम टू आगरा बियर रेस्क्यू फैसिलिटी। चलते अंदर गाइस देखो बुड्ढा का ये लेस खुल गया भैया बांध रहे हैं फिर आपको अंदर दिखाते हैं। चलिए बुड्ढा चलो मेरा हाथ पकड़ लो भैया का ही हाथ पकड़िए गुड्डा। ये देखिए भाई साहब गाइस देखिए मैं तो पहली बार देख रहा हूँ बालू। सो गाइस हमने भालू तो देख लिया अब आगे चलते हैं। मम्मी आगे क्या क्या और आगे और देखेंगे कुछ और भी कुछ दिखता जाना वगैरह तो देखते हैं ठीक। सो गाइस हम वहाँ से निकले थे भालू देख के थोड़ा सा आ गया तो हमें दोबारा दो भालू मिले थे। सो गाइस हम भालू देख के आ चुके हैं और अब चलते हैं और अंदर देखते हैं क्या क्या है। देखो ये मेरी फैमिली मेरी मेरी मम्मी हम चलते हैं झील देखने। ये देखिए आप ये देखिए गाइस कितना अच्छा व्यू है। तो गाइस हमने कीटम झील देख ली अब चलते हैं पार्क। बुड्ढा मेरे पास बैठे हुए मेरे पास बैठे हुए कि नहीं? अच्छा हम दूसरे वाले में जा रहे हैं। हाँ दूसरे वाले में जा रहे हैं। अभी अक्की अक्की बैठा था मेरे पास अब आप बैठे हुए हैं ना मेरे पास। अब आप कहाँ जाने वाले हैं? हम बड़े वाले में झूलना पानी में झूलने पानी में पानी वाला ऐसे इस तरफ देखो इस तरफ कैसे करते हैं बताना। ऐसे करते हैं
चलो ठीक है चलते हैं। छोटा बच्चा आइए। सो गाइस आ गए हैं चिल्ड्रन पार्क और चलते हैं। कितना अच्छा है ये, बगल बगल में घास वगैरह पेड़ की। सो गाइस देखिए हम गाजर का हलवा खा रहे हैं। देखिए हम पार्क में आए हुए हैं। सो गाइस हमें लगी थी भूख क्योंकि काफी लंबा सफर था हमारा, तो अभी हम अभी ने गाजर का हलवा बनाया था उसको खा रहे हैं। ये देखिए आप अपनी फैमिली दिखा दो। ये देखिए खाना चल रहा है, लड्डू है, दाल चावल, गाजर का हलवा भी है। और ये क्या भाभी, ये क्या है? ये गुड़ की गजक। गुड़ की गजक, तिल की गजक। अच्छा और इनका चला और बच्चे वहां पर झूला झूल रहे हैं, यही होंगे, दिख नहीं रहे वैसे यहाँ से। तो गाइस अभी बच्चों के पास चलते हैं, देखते हैं कैसे एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। बच्चे कहाँ हैं? अभी दौड़ रहे हैं। मैं देखता हूँ। हाँ वो रे गुड्डा अक्की झूले जरा जल्दी आ, इस गेम को कैसे खेलते हैं? ओहो कतरों की खिलाड़ी। फिर अब नीचे कैसे आएगा? आ जा आ गया। वाह 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 पर देखिए गाइस जबकि इतना ऊंचा गेम जाने की कह रहा है, ऊपर झूले में जाएगा सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर। आराम से की जा। करना जाए लेकिन चढ़ गया, चढ़ गया। अरे चल नीचे कैसे आएगा? डरना मत, आराम से आराम से। मम्मी ने पकड़ लिया गाइस, आ गया बादल लड़का हो गया, तो डरता नहीं है मुझे। हाँ कतरों के खिलाड़ी। आ जा पुरवा अक्की जल्दी, तू जल्दी आ, पूरा डरती है पुरवा तो। किस वाले पर? आ जा कर भाई, चल चल जल्दी आ, रहने दे नहीं कर पाएगी, हिम्मत है पूरी तो बोल के देखा। खतरों के खिलाड़ी तो सांप है बना बनाया। अक्की मैं ऊपर जा रहा हूँ, तू मेरी वीडियो बनाई होगी। हाँ आजा। देखिए फ्रेंड्स अभी जरा ऊपर चढ़ चुके हैं। हाँ देखिए फ्रेंड्स अभी जरा नीचे आ रहे हैं, अब देखते हैं कैसे आएंगे गिरेंगे। गाइस देखिए भाभी एंजॉय कर रही हैं, झूला झूल रही हैं। देखिए हम घर जा रहे हैं, चले हम। मेरी पूरी फैमिली भी आ चुकी है पार्क से अंदर से, तो अभी गाड़ी में बैठते हैं फिर चलते हैं। चलो गुड़ा मेरे पास बैठो। सो गाइस अभी हम पार्क घूम चुके हैं और काफी अच्छा था यहाँ का पार्क, झूले भी थे और बच्चों ने काफी एंजॉय किया। मैं भी झूला था दो तीन झूलों में, और अक्की पूरा गुड्डा तीनों ने एंजॉय किया। अभी हमने एक और प्लान बनाया है कि एक और जगह और जाएंगे और देखते हैं, आपको ये नहीं बताएंगे कहाँ जाएंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहना और अभी चलते हैं, ठीक है? लेट्स गो। सो गाइस जब हम घर से लाए थे चाय
तो अभी हम चाय पी रहे हैं, लेकिन वैसे की गर्म है बिल्कुल। ये देखिए आप, अभी धुआं निकला है इसमें से। सो भाई ये देखिए लड़का कितना एक्शन मार रहा है, अगर थोड़ा सा ब्रेक लगा तो ये धुड़म रोड पे गिरेगा। आप ऐसा करिए ना तो ज्यादा फायदे में। ये देखिए हमारा सेकंड प्लान था कि हम वहाँ जाने वाले हैं, तो अब आए हम आगे पहुँच चुके हैं। उसका नाम है आगरा का गुरुद्वारा, जो सबसे बड़ा है वो काफी अच्छा है। देखिए पागलपन कर रही है मूवी, तो आ गए वो आपको दिखाते हैं। और मेरी पूरी फैमिली आई है और फर्स्ट टाइम आए हैं हम, तो अभी चलते हैं अंदर। सो अभी गाड़ी पार्क करते हैं फिर चलते हैं अंदर। देखिए गैस गुड्डा तो सो चुकी है, उसको जगाते हैं। गुड्डा गुड्डा चलो, गुड्डा चलो आ गए हम। देखो गाई गुड्डा सो चुकी है, अभी जगाते हैं फिर उससे ले चलते हैं अंदर, ठीक है। गाइस देखिए कितना बड़ा है ये गुरुद्वारा, फोन पर ही ऐसा दिख रहा होगा लेकिन रियलिटी में काफी बड़ा है और मुझे काफी अच्छा लगा रियली। देखिए गाइस गुरुद्वारा कितनी भीड़ है। सो गाइस ये रुमाल मिल चुका है बांधने के लिए, ये ठीक है बांध रहा है। ये देखिए कैसा लग रहा है, ठीक है अच्छा है। देखिए गाइस रुमाल से बांध लिया, चलते हैं अंदर। तो गाइस अभी हम अंदर बैठे थे थोड़ा सा, सो गाइस थोड़ा सरप्राइज था कि हम कहाँ जाने वाले हैं, दोनों जगह भी आ गए, लेकिन थोड़ा वैसा मुझे लगा कि अपने पब्लिक को, इसलिए हमने थोड़ा सस्पेंस रखा कि कहाँ जाने वाले हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है। फिर अब चलते हैं आगे। अरे दोस्तों आ चुके हैं लंगर खाने, तो अभी प्लेट आ चुकी है, खाते हैं। अब भीड़ इतनी है कि मेरे फैमिली वगैरह उधर बैठे हैं और मैं यहाँ पर अलग, सबसे अलग, कोई ना खाने तो खाना है। सो गाइस हमने लंगर खा लिया है, पास हम खा लिए थे खाना, तो फिर क्या होगा, हम वहाँ से अक्की पूर्वा गुड्डा और मम्मी निकल लिए, तो वहाँ से हम सोचे कि कहाँ चले गए सब के सब। मैं आया तो पूर्वा ने सारा कर दिया, अरे मम्मी जा रहे हैं, तो मैं भागा हुआ आया और ये मिल गए। देखिए ये बाहर है, ये गुड्डा ए से वो तो फैमिली मिल गई। तो अभी भैया आ रहे हैं तो फिर चलते हैं फिर घर, वो काफी टाइम हो गया 8 बज गए, तो चलते हैं। सुबह शाम नहीं मिलती, अब रही नहीं है। चाय मिलती है नहीं, वही चाचा आए कर रहे थे, मैं देख नहीं पाई। बड़े चाचा आए कर रहे थे, अच्छा अब तीनों कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा है ये, और ये गुरुद्वारा बहुत अच्छा है। मैंने जो मांगना था मुझे भगवान से वो मैंने मांग लिया। और ये गाइस देखिए अकिया अपने भगवान से, ये गुड़को मैं बता दूं गाइस, ये देखिए अकिया कुछ मांग रहा अपने लिए। खालसा भाई नंदलाल जी का दीवान हॉल, इसमें भगवान जी के सारे अच्छे गाने सुनाए जाते हैं और दिल से अच्छा लगता है हमें यहाँ पर। और क्या क्या बोलूँ इसमें गुरुद्वारा के बारे में, तो काफ़ी दिल से अच्छा लगा। और आप नहीं आए आज तक तो आगरा के गुरुताल में आप ज़रूर आइए, ठीक है। अभी चलते हैं, ठंड पड़ गई है तो जितना हो सके जल्दी घर पहुँचे, बिना हो सकते। सो गाइस अब गुरुद्वारा से आ चुके हैं, अब गाड़ी में बैठते हैं क्योंकि पैर हो गए ठंडे और शूज पहनते हैं फिर। चलो गुड्डा गुड्डा चलो बैठो, गुड्डा बैठो गुड्डा। तो आपने गुरुद्वारा में चपाती खाई थी, कितनी चपाती खाई थी? 5 चपाती खा ली वो बाहर। अच्छा आपको वहाँ पर कैसा लगा? ठंडा ठंडा सा लग रहा था ना, पैर बहुत ठंडे हो गए थे। टांग अंदर करो, हाय गुरुदो, अब घर चले।
मम्मी अब बताओ आपको कैसा लगा गुरुताल में? बहुत अच्छा लगा, मेरा दूसरा चांस था। अच्छा हाँ, मैंने तो दोनों बार खाना खाया, फुल एंजॉय किया। गाइस ये देखिए, ये हमारे यहाँ का एमजी रोड है, सबसे ब्रांडेड कपड़े आते हैं यहाँ पर, वो काफी अच्छे अच्छे मॉल है यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों। ये देखिए ये वाटिका प्लांट है, तिरंगे के कलर में, और ये कितना अच्छे लग रहे हैं। ये देखो, ये देखिए इसमें आगरा नगर एवं लिखा हुआ है, लेकिन आपको भी दिखेगा नहीं। गाइस देखिए ये साईं बाबा जी का मंदिर कितना ब्यूटीफुल है। एक दो मिनट का टाइम लगेगा बस, हम घर आने वाले। सो फाइनली दोस्तों हम घर आ चुके हैं, तो भी चलते हैं। और गुड्डा गाड़ी में चलते चलते सो गई। ये देखिए अब थोड़ी सी आँख खुली हुई है। चलो गुड्डा घर आ गए, चलो अब घर सो लेना, चलो हैं, चलो। सो गाइस तो हम गए थे पहले कीटम और फिर गए थे हम गुरुद्वारा। तो मैंने सस्पेंस इसलिए रखा था कि जरूरी है थोड़ा गाइस के साथ मतलब करना, थोड़ा जरूरी था तो इसलिए मैंने थोड़ा सस्पेंस रखा था। और काफ़ी इन्जॉय किया मैंने और पूरी फैमिली ने, लेकिन मेरे से बड़े वाले भाई हैं भानु भाई, वो भी नहीं गए थे क्योंकि उनका मन नहीं था जाने का, तो चलो कोई नहीं। और बड़े वाले भैया ड्यूटी गए थे इसलिए उनको ले गए थे, बाकी सब गए थे। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो तब तक के लिए